और भाई क्या हाल है? भाभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बैठो। कैसे हो तुम? कहाँ रहते हो? सारा दिन नजर नहीं आते, इतना काम में बिजी होते हो और फिर डिनर के टेबल पर भी नहीं मिलते तुम। वैसे ब्रेकफास्ट के टेबल में सबसे मुलाकात हो जाती है, बस आपसे नहीं हो पाती। हाँ, मुझे देर से उठने की आदत है ना, पर कोई बात नहीं, मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं नहीं भाभी, आपको कोई जरूरत नहीं लाइफस्टाइल चेंज करने की, आपका अपना घर है, इट्स ओके। तुम्हें पता है तुम ना बहुत ही अच्छे हो, मतलब इस घर में सबसे अलग, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओपन माइंडेड। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बस इसीलिए मैंने सोचा कि भाई ज़ोहैब मियां तो मिलेंगे नहीं, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ हाल। अब बाकी मेरा हालचाल पूछने के लिए आए हैं या कोई और बात है? पूछ ही लेती हूँ, इसमें क्या है, देवर ही हो मेरे। ये तुम्हारा और उजाला का क्या चक्कर चल रहा है? तुम चुप चुप कर मिलते हो उससे? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रही हैं आप? देखो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम उजाला से चुप चुप कर मिलते हो और तुमने उसे अपने फ्रेंड के ऑफिस में जॉब भी दिलवाई है। देखिए मैंने उसे रेफर जरूर किया, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता, और जहाँ तक मुलाकातों की बात है तो हम कभी मिले नहीं हैं। देखो ज़ोहैब, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, वो इंगेज है, तुम फिर भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो। भाई ऐसा क्या है उसमें जो मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं चल रहा, और आपको कोई जरूरत नहीं है मेरे पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व होने की या मुझे मशवरा देने की। वो मेरी कजन है और तुम मेरे देवर, तुम्हारी फिक्र है मुझे, इसीलिए तुम। क्यों है मेरी इतनी ज्यादा फिक्र आपको भाभी, ये तो बताएं। उसे ख्याल में अपने जहन से निकाल चुका हूँ, और जहाँ तक बात है कि क्यों, तो वो आपकी वजह से नहीं, ना ही इस बात की वजह से कि वो एंगेज्ड है, बल्कि इस वजह से क्योंकि उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। वो 2 टके की लड़की तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट करेगी, जो सारी जिंदगी मेरी उतरन पहनती रही है, हमारे टुकड़ों पर पलने वाली लड़की तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट करेगी। वैसे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? एक ऐसी लड़की जो ऑलरेडी एंगेज्ड है, तुम उसे प्रपोज कर रहे हो, क्या ये तमीज और तहजीब है तुम्हारी? और आपको शर्म नहीं है मुझसे झूठ बोलते हुए कि वो एंगेज्ड है?